और जो भी इसमें दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा और स्पष्ट रूप से उन पर कार्रवाई होगी। देश की जनता को न्याय का साथ जो हमारा संकल्प रहा है कि हम पूरी तरह से देश को न्याय के साथ जोड़ के काम करेंगे, विकास की योजनाओं में लेके जाएंगे। आज एक हम कह सकते हैं सुनहरा दिन है। नगर आयुक्त हों या उसके अंदर के फील्ड ऑफिसर हों, सबको कम से कम 1 से 2 घंटा फील्ड में रहना है, लोगों के जो समस्याएं हैं उसको भी समझना है। प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं वो तो खुद भी, अब आज कुछ बोलेंगे कल वो क्या बोलेंगे, तो उनके बयान पर कोई भी टिप्पणी करना मेरा मानना है कि अभी भी नासमझी होगी। बिहार में पुल गिर रहा है और इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का बयान आया, जहां पर नितिन नवीन ने साफ कहा है कि जिन लोगों के कारण यह पुल गिर रहा है उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, कई इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जांचें जारी है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव बयान दे रहे उसको लेकर भी नितिन नवीन जमकर निशाना साध रहे, तो वहीं जिस तरीके से नया कानून लागू हुआ है उसको लेकर भी प्रतिक्रिया दे रहे थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि देखा जाए तो उस तरीके से विधि व्यवस्था जो है देश की और बेहतर बनेगी इस कानून से। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, वो सुने आप। देखिए आज तक ये जो कानून पुराने कानून से 40 साल 50 साल पुराने धारा में और कहीं ना कहीं नए कानून से जो नए स्वरूप में लोगों को न्याय मिल पाएगा, लोगों को न्याय की प्रक्रिया को त्वरित किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है जो कई चीज़ें जो पुराने कानून अप्रासंगिक होते जा रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं नए कानून के तहत उसको प्रासंगिक किया जा सकेगा। तो मेरा मानना है कि आज देश की जनता को न्याय का साथ जो हमारा संकल्प रहा है कि हम पूरी तरह से देश को न्याय के साथ जोड़ के काम करेंगे, विकास की योजनाओं में लेके जाएंगे। आज एक हम कह सकते हैं सुनहरा दिन है जो इस देश में संविधान और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की जो सपना था, जो कल्पना था, जो उसको कल्पना को साकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए मेट्रो के विस्तारीकरण पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज इस तरह से उसको डिवाइड किया गया पटना के लिए और साथ ही साथ नए मेट्रो के विकल्पों पर भी विचार किया गया जिसकी सैद्धांतिक सहमति राज्य सरकार ने दे दी। अब हम लोग का पटना मेट्रो जिसको उन्होंने टारगेट किया है फर्स्ट फेज के लिए तो वो 26 का है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको और जल्दी जनता के लिए सुलभ किया जाए। प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं वो तो खुद भी, अब आज कुछ बोलेंगे कल वो क्या बोलेंगे, तो उनके बयान पर कोई भी टिप्पणी करना मेरा मानना है कि अभी भी नासमझी होगी। और प्रशांत दिन के उजाले में कुछ कहते हैं और रात के अंधेरे में कुछ करते हैं। लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं उसको लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि भ्रष्टाचार के भेंट लगातार बिहार के पुल गिर रहे हैं। माननीय मंत्री काफी समय तक उसके रहे हैं, जहाँ जहाँ कमियाँ थी उसको जांच के आदेश देने चाहिए थे, लेकिन अगर अभी जो ये घटनाएं घटी हैं इस पर निश्चित रूप से सरकार ने संज्ञान लिया है। करीब कई अभियंताओं को निलंबित भी किया गया है और जो भी इसमें दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और स्पष्ट रूप से उन पर कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल सर, जल जमाव को लेकर आपने भी निर्देश दिया है कि फील्ड वर्क में 2 घंटे समय जरूर बिताएं तमाम जो पदाधिकारी हैं, क्या कुछ निर्देश रहेगा कि जल जमाव से? नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चाहे नगर आयुक्त हों या उसके अंदर के फील्ड ऑफिसर हों, सबको कम से कम 1 से 2 घंटा फील्ड में रहना है, लोगों के जो समस्याएं हैं उसको भी समझना है और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक आप खुद मूव नहीं करेंगे सिस्टम दुरुस्त नहीं जाता है। तो मेरा मानना है कि उसकी पूरी तरह से नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया है। इसी तरह का एक कार्यपालक पदाधिकारी जो नगर परिषद और नगर पंचायत में है उनको भी अगले 1 हफ्ते के अंदर बैठक करके उनको भी पूरी तरह से निर्देशित किया जाएगा। तो आपने सुन लिया बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन थे, जिस तरीके से पुल गिरा है उसको लेकर जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधे थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से पुल गिरा है, जिन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके कारण पुल गिरा है और उन लोगों को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कई सारे इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई है, तो वहीं जो भी लोग होंगे इसमें संलिप्त उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से कानून लागू हुआ इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं इसको बेहतर बता रहे थे नितिन नवीन। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।